गुजरात से मैं हूँ अदनान असगर भट्ट और इस वक्त मैं मौजूद हूँ थाना डिंगा की पुलिस चौकी कालोसाई में, जहाँ पर किसान बरादरी का लाखों रुपए के मवेशी जो है आए रोज चोरी हो रहे हैं। पुलिस की जानिब से बात की जाए तो मौसर गश्त ना होने के बिना पर किसान बरादरी के लाखों रुपए के मवेशी जो है बआसानी चोर डाकू लेकर फरार हो जाते हैं, मगर उनका कोई भी सुराग नहीं लगाया जा रहा। इम्तियाज मेरे ना है तो कालू सही तो बोल दें तो राती चोर आए ने उन्हें मेन बन के तो डंगर लह गए ने, 25-30 लाख का नुकसान हो गया मेरा। दो बंदे सी दोवान चबदा ने बन के तो लह गए, तकरीबन है 15-20 मिनट का सारा उन्हें गैप आया बिच बन पाने वाले डंगर बिच पाने बिच तो सड़के चलने टुर गए। दूसरी ना एक होर गड्डी है वो दोवे मतलब 7-8 बंदे है सन जेडे वो दोवे बह के जी रैफल सन उन्होंने को रैफल सन को आके तो लत्तां बाहां सड़ियां बनिया ने चाहिए तो सिरे तो उन्हें मतलब सिर मूँह भी साडा बन छड़िया उत्ते सराहना जुला जहा दे के उत्ते बह खलो गया एक तो सानू ना इधर उधर तकन भी नहीं दिता आख्या नहीं जल तो असं तुम फैर मार छड़ा वो एक एक साढ़े उत्ते खलोता रहा तो दूजे बंदे जो उन्होंने ना ट्रक ला के पा के लैके मार जी एफ आई आर दर्ज हो गई है। तो पुलिस आए अगर सवेरे आए ने उन्हें जी अपनी कार्रवाई करनी है की है। ये 8 तरीक सुबह 3 का टाइम है। पुलिस ने की आंदे ने भाई मिल जाते डंगर के नहीं मिल हौसला अफजाई तो देंगे ने हूँ ये अल्लाह ते उम्मीद है सन तो हूँ उम्मीद अल्लाह ते ही है जी गल सीधी है पुलिस तो अगर जो वजह साढ़े मुल्क की है वो अगर पता है। मेरे अजीज ने रिश्तेदार ने जिंदा माल चोरी होया दो बंदे डेरे सुते सन तो दो गड्डियां आईया ने 7-8 बंदे सन उन्होंने इन्होंने बन के उसे सजद भी किया और रैफल उन्होंने को सन ये दहशत ना बिल्कुल साम के लम्बे पै गए ने पिछू ना माल सी 11 थां जिस 9 डंगर उन्हें पाए ने हर किस्म के सन मझां गाई झोटियां कुतरी 35 लाख का इन्होंने नुकसान हो गया माड़े बंदे हैं जिमीदार ने ये तो अलावा सन इन्ना क खौफ हो गया कि दुआए दिया बंद कि साडा तो माल महफूज नहीं है इतों सियां चक उन्हें मारी खोलीए फिर एक उन्हें बड़ा नुकसान होया अगू बागड़िया वैड खुलिया वो भी चोरी हो गई अगू फिर होर भी इतने दुआए भी नुकसान बहुत ज़्यादा शुरू हो गए ने। अच्छा जिदे विच छिमे आए साढ़े डेरे तो पनाह लैके बैठे सन रिश्तेदार उन्होंने भी कोई भी डंगर चोरी हो गया गरीब बंदा जो वो राती जे असी बंदूक लैके जां कोई डंडा लैके सड़के चढ़ने हाँ तो पुलिस आदे ने इधर आओ हाँ चलो थाने तुहाड़ी जुर्त किवें पई है ये लसनस होंदियां भी साडा फिर भी चलान कर छड़दे ने इसे खौफ तो असी कोई ना डंडा रख सकने हाँ ना कोई असला रख सकने जिस वे काम सारे शुरू हो जाते हैं फिर आते हैं रखो चोर जड़े ने इन्ने हैवी हो गए ने कि बंदे बेचारे राती बाहर निकलते नहीं आए लिहाजा साड़ी यही रिक्वेस्ट है कि हुकूमत साडा कोई ना ख्याल करे तो ये लोग जड़े ने अपना माल मवेशी अपनी हिफाजत जी या खुद कर सकन या कोई हुकूमत बंदोबस्त करे। अस्सलाम वालेकुम जी मेरा नाम अरुण है चक हुसैन मेरा पिंड है तो कुछ दिन पहले साडा 3 दिन पहले का वाकया है कि साडा ट्रांसफार्म चोरी हो गया सी उधर साडे फिश फार्म ने उन्होंने लाया सी ते राती कोई बंदा आया उन्हें अपने थले सट के जो कुछ उन्होंने चाहिए सी कोयला वगैरह वो भी महंगी होंगे ने आयल वगैरह ये होंगे आयल भी उन्हें रोड दिता या लै गए ने जिदे किता ने साडे को हालिया हौलिए बच गया यदा असा बनवाने का जी कॉस्ट वो पुछी है तकरीबन 2.5 से 3 लाख तकरीबन ये कॉस्ट आ रही है तो इस नुकसान की असं रिपोर्ट भी की है फौरी तौर पर बाकी रिपोर्ट का भी कोई खास फायदा नहीं होया क्यों जिदे वेखिए चोरी चकारी हो रही है तो क्राइम सीन वाले आए सन उन्हें अपने फिंगर शिंगर भी जो कुछ है सी उत्थे उन्होंने फिंगर शिंगर ले ने ते बाकी फिलहाल यदा कोई पॉजिटिव सन जवाब नहीं लब्भा। कब से ये चोरियों का सिलसिला जारी है? चोरिया का तकरीबन 2 हफ्ते तो ज़्यादा स्टार्ट हुए तू ही तो हम पहला महीने तो ही स्टार्ट हुए लेकिन 2 हफ्ते जड़ा नहीं है चोरियां बथेरिया हो गई आंढ़ गुआंढ साढ़े होंगे फिर साढ़े लोग छुट्टी खुली है बागड़िया वाला कुछ 3 बेड़े खुले ने उस तो पहला कालू सही है उत्थे डेरा है वो उत्ते आया ट्रक उन्हें अपना 9 डंगर है सन सारे उन्हें पाए ने डंगर
बंदे जो मौजूद सन उन्होंने रस्सियां नाल बन्ह के आप बंद रहे टुर गए ने। तो उस तो पहले कीरां भी इस तरह ही है, बकरियां को खुलियां ने 30-40 बकरियां आई हैं खुलियां ने। तो इस तरह करके चोरी चकारी तो बथेरी है टाइम तो शुरू हो ही है। जिस बंदे अगर भी ना लिया उस ये आखे साड़ी भी मोटर लै गई, साढ़े ट्रांसफार्मर लै गया, माल डंगर बथेरी चोरी भी होंगी है। हल क्या है इसका? हल तो ये है कि पुलिस ही है। हम वेखो ना जिस भी कोई भी माशरा वो तहफज पुलिस ही है साढ़े लोकल निके हिसाबा से छोटे लैवल से। तो पुलिस ने अपना गश्त जो तेज़ करना चाहिए, फिर ना टोना चाहिए, अपनी पाबंदी कर जो को है जिन्हें शक शुबा वो अपने चुकन। जितने माल मवेशी दो हफ्ते में चोरी हुए तकरीबन ये कितने को होंगे? मालियत एक भैंस की मालियत आप हिसाब लगा ले तकरीबन 3 लाख 3.5 लाख की है। तो उसको मल्टीप्लाई कर लें, अंदाजन ये 50-60 लाख से ऊपर जा रहा है। मतलब जो इर्द गिर्द में ये पूरा देख लें ना, जो बाड़ियाँ जानवर हैं हमारे लोक में है, कीरा वाला में है, कौलू सही के हैं, तकरीबन 50-60 लाख के जो है ना मालियत के। जब थाना में जाते हैं पुलिस को रिपोर्ट दर्ज कराते हैं तो उनका क्या रवैया, क्या कहते हैं? रवैया बस यही है कि पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर लेती है तो बाकी कहते हैं ठीक है कानूनी कार्रवाई करेंगे, लेकिन वो कानूनी कार्रवाई होती नज़र नहीं आ रही। आज तक कोई बरामद कर सकी है पुलिस? अभी तक तो इस इलाके में बरामद नहीं हुआ कोई। जी डीपीओ गुजरात या वज़ीर-ए-आला पंजाब से कोई अपील मुतालबा? हाँ, हमारा उन तक तो होता ही नहीं है। हमारा ये नीचे चौकी सतह और थाने सतह तक ही होता है, तो इधर तक जाते रहते हैं, उनको कहते रहते हैं, बस हमने कहना ही आगे तो उनका काम करना। जी साड़ी है डीपीओ गुजरात या फिर जी निगरान हुकूमत या जो भी हुकूमत बच्चे आए हैं हूँ फिलहाल, उन्होंने यही अपील है कि तहफ़ दिता जाए लोगों में, मतलब है जो इर्द गिर्द ने साडे लोग इन्होंने तहफ़ दिता जाए। इन्हों को माल डंगर ही होंगे, जो कुछ जो भी चोरी हो जाए तो फिर पिछले बंदे को की रह गया, तो जानी तो माली जरा तहफ़ चाहिए। जे ना मिलेगा तो फिर पुरअमन इत्तेजाज ही हो सकता है। जैसा कि आपने सुना कि मुख्तलिफ देहातों में आए रोज़ चोरियां डकैतियां जो है वो अरूज पर हैं, किसान बरादरी इस हवाले से शदीद खौफो हरास में मुतला हो गई है। किसान बरादरी का कहना था कि हम डीपीओ गुजरात और वज़ीर-ए-आला पंजाब से इस हवाले से नोटिस लेने का मुतालबा करते हैं कि फिल फोर इस पर नोटिस लिया जाए। हर लम्हा हर खबर शान से।